एक और शानदार वीडियो में आप देख रहे हैं आपका प्यारा चैनल एसके कैरेजमेंट। दोस्तों आज की नई वीडियो लेके आ गए हैं और इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं स्टाफ नर्स रिजल्ट 2022 के बारे में, जो काफ़ी स्टूडेंट्स बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। दोस्तों जल्दी से देखेंगे अपना नाम और रोल नंबर। बहुत ही बढ़िया अपडेट है आप सबके लिए और सभी कैंडिडेटों को जिस लिस्ट में इनका नाम है उन सभी को बहुत बहुत बधाई। यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन लिस्ट जारी कर दी गई है। दोस्तों कहाँ से की गई है और कितने कैंडिडेट हैं इसमें टोटल, वो सारी जानकारी आपको वीडियो के अंदर मिलने वाली है। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए देख लेते हैं क्या अपडेट है। डियर साथियों, जैसा आप देख पा रहे हैं ऑफिशियल साइट से ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिया गया है और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसमें रोल नंबर वाइज सीरियल नंबर वाइज जो है आप स्टाफ नर्स की वैकेंसी देख सकते हैं। पोस्ट कोड का है जो दोस्तों 933 है। द कैंडिडेट वियरिंग द फॉलोइंग रोल नंबर हैव बीन डिक्लेयर सक्सेसफुल। तो दोस्तों ये फाइनल रिजल्ट है, ठीक है। ये डीवी के लिए पहले बुलाया गया था, उसके बाद की लिस्ट है और इसमें आपको देखने को मिलेंगे, आपका स्कोर देखने को मिलेगा, कितने नंबर हैं आपके, और आपका जो है नाम देखने को मिलेगा, सपना कुमारी, प्रियंका देवी, शालिनी प्रियंका, शिल्पा कुमारी, रिम्पी कुमारी, इस तरीके से आपको जो है नाम देखने को मिलेंगे और रोल नंबर आपका यहाँ पर देखने को मिलेगा सीरियल वाइज। तो यहाँ पर अगर बात करेंगे टोटल कैंडिडेट की, टोटल कैंडिडेट साथियों यहाँ पर हैं, यहाँ पे टोटल कैंडिडेट जो है बहुत सारे कैंडिडेट हैं। मैं आपको पहले बता देता हूँ कहाँ से ये वैकेंसी थी और कौन सी वैकेंसी का जो है आप सबके लिए रिजल्ट जारी किया गया है, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी दे देता हूँ। आप पूछते रहते हैं कमेंट में। यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप HP स्टाफ नर्स सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर। तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश की जो है ये स्टाफ नर्स वैकेंसी का रिजल्ट जारी कर दिया गया है, जो मैंने आपको बता रखा था कि जो रिजल्ट इसका आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 28 सितंबर यानी कि कल शाम को ही जो है रिजल्ट डिक्लेयर किया गया था। इसकी पोस्टों को जो है कैटेगरी वाइज डिवाइड कर रखा था, जैसे 85 जनरल की थी और EWS की 33 थी, इस तरीके से टोटल जो पोस्ट थी 85 पोस्ट थी और उनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया था, ठीक है। टोटल जो पोस्ट थी आपको साथी, सॉरी यहाँ पे टोटल पोस्ट आप सबके लिए 85 थी और उनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर रखा था, जैसे जनरल की 33 हैं, EWS की 9 हैं, जनरल की WFF वालों की 2 हैं, इस तरीके से अलग अलग कैटेगरी डिवाइड किया रखा था। पोस्ट कोड आप देख सकते हैं 933 है और यहाँ पर देखिए इसका जो कंडक्ट एग्ज़ाम कराया गया था, इसमें टोटल जो कैंडिडेट थे 17,862 कैंडिडेटों ने एग्ज़ाम दिया था, एग्ज़ाम के लिए फॉर्म अप्लाई किया था, लेकिन उनमें से कितने कैंडिडेट ने अप्लाई जो है एग्ज़ाम दिया, यहाँ पर 10 तारीख को एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था और 13,170 कैंडिडेटों ने एग्ज़ाम दिया, जिसमें से 3,606 कैंडिडेट एबसेंट रहे। अब देखिए यहाँ पे जो टोटल DV के लिए 271 कैंडिडेट को बुलाया गया था, जिनका DV कराया गया था, और अब जो फाइनल लिस्ट आई है 85 कैंडिडेटों की, यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो ये जो लिस्ट है आप सब इसमें अपना नाम देखेंगे और जो भी कैंडिडेटों का इस लिस्ट में नाम है दोस्तों, बहुत बहुत बधाई सभी के लिए और इसी तरीके से आगे स्टडी करते रहें और आगे बढ़ते रहें, ठीक है। तो आज की नई अपडेट में, नई वीडियो में दोस्तों ये जानकारी आप सबको प्रोवाइड करवानी थी। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों के साथ में। जो भी नई कैंडिडेट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जैसे ही कोई लेटेस्ट अपडेट आएगी नर्सिंग से रिगार्डिंग वो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगी, ठीक है साथियों। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में कोई भी अपडेट होगा जल्दी जल्दी आपको बताया जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।